यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना है तो उसके लिए हमें शुरुआत तो करनी है। और वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे तीन ढंग हैं जिससे हम यूनिवर्स से खुद को जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, सोच। सोचने के लिए जब हम कभी भी अपने आप के विचारों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें दो तीन बातें खास सामने दिखती हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें नकारात्मक नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। हमारे मन की ये खूबी है। और ये खूबी क्यों है? क्योंकि हमारा मन आने वाली तकलीफ़ों से हमें बचाने के लिए जो भी नकारात्मक संभावनाएं हैं वो हमारे सामने एक के बाद एक खड़ी करके रख देता है। और हम उन संभावनाओं में अगर उलझ गए, अटक गए और उन पे ही सोचना शुरू किया, तब एक बड़ी मुसीबत हम खुद के लिए ही पैदा कर लेते हैं। क्योंकि होता यूँ है कि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, हम ध्यान देते हैं, जिस विचार को हम गहराई से सोचते हैं, वही विचार यूनिवर्स तक जाता है और वो यूनिवर्स उसको सच्चाई में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वहाँ तो एक ही शब्द है, तथास्तु। तो वो तथास्तु अगर नेगेटिव विचार के लिए हमने पा लिया तो फिर मुसीबतों को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हमें नेगेटिव विचार जब आते हैं तब उसके बारे में उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करनी। जिस तरह हमें दूसरों पे ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल वैसे ही हमें खुद पे भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो उन विचारों को आने देना है और जाने देना है, बड़ी आसानी से चले जाएंगे। और उसके बाद में एक विश्वास, एक श्रद्धा यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि यूनिवर्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा मित्र है, हमारे साथ जुड़ा हुआ और हम में खुद में भी है। तो वो यूनिवर्स हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। और इसीलिए नकारात्मक विचार आ भी रहे हैं तो उसे आके जाने देना है। और उसके बाद में जो आ रहा है उसे बड़ी आसानी से, सरलता से स्वीकारना है। स्वीकार, ये स्वीकार जो है वो सबसे पहले होगा विचारों की कक्षा पे, थॉट लेवल पे। दूसरा होगा व्यक्तिगत, व्यक्ति की कक्षा पे, यानी हमारे आसपास जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ अपने व्यक्तित्व के हिसाब से आएंगे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आएंगे, अपने स्वार्थ या निस्वार्थ जो भी होगा, उनके दिमाग में जो भी घूम रहा होगा उस हिसाब से वो हमारे पास आएंगे। पर यहाँ पे भी वही बात लागू होगी जो विचारों के लिए है। यानी कोई अगर हमारे साथ कुछ नकारात्मक कर रहा है, कुछ नेगेटिव बात हो रही है और वो करने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है, हमें लग रहा है कि ये हमारी बुराई कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, भविष्य में आने वाली कुछ घटनाओं को लेके हम सोचते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, ये उसने किया, तो ये जो सोच है ये सोच को रोक देना है। व्यक्ति जैसा है वैसे का वैसा उसका स्वीकार करना है। ये दूसरी कक्षा है जहाँ पे हमें पहले विचारों का स्वीकार करना है, दूसरा है व्यक्ति का स्वीकार करना। बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ व्यक्ति बिना वजह हमें चिढ़ाने के लिए हमारे सामने पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, कपट करते रहते हैं, पता दूसरों को हमारे लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए, हमें चिढ़ाने के लिए तैयार करते रहते हैं, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के हमें, हम पे फायर करते रहते हैं। हम पहचानते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के साथ एक ही काम कर सकते हैं, वो है उनको इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करना, उनसे अपने आप को हटा लेना। क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचने गए तब क्या होगा, बस इतना ही होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिढ़ेंगे आप,
और गुस्सा और चिढ़ जो है उसका परिणाम क्या होगा, उस व्यक्ति पे रत्ती भर असर नहीं होगी। असर किस पे होगी? हमारे खुद के शरीर पे। और हम बिना वजह बीमारियों को बुला लेंगे तो ये नहीं करना है। और इसीलिए ऐसे लोग जो हमें सताने या चिढ़ाने या परेशान करने के लिए हमारे आजू बाजू में कहीं से अगर आ भी गए हैं तो उनको उनकी उपेक्षा करके वहाँ से अपने आप को हटा लेना है। और तीसरा, परिस्थिति। जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में अपने आप को ढालना है, स्वीकार परिस्थिति का भी स्वीकार करना है। जिस तरह हमने विचारों का स्वीकार किया, जिस तरह व्यक्तियों का स्वीकार किया, बिल्कुल वैसे ही हमें आने वाली परिस्थिति का स्वीकार करना है, प्रकृति में आने वाले बदलावों का स्वीकार करना है, हमारे आसपास में घटने वाली घटनाओं का स्वीकार करना है। इसमें हर बार हम चाहें वो हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हम चाहें वो हो, ऐसा हुआ तो उससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब भी बड़ी आसानी से उन चीज़ों का स्वीकार करके अपने आप को, जैसे कहें कि हम बहते पानी के साथ बहना है और चलती हवा के साथ अपने आप को आगे की तरफ ले जाना है, क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकते नहीं है, हम हर बार आगे की तरफ ही जाते हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखने लगे, रुक गए, अटक गए, तब समस्या दूसरों के लिए भी हम समस्या पैदा करेंगे और खुद के लिए तो करेंगे ही करेंगे। तो ये क्यों करना है? आने वाली हर परिस्थिति में खुद का स्वीकार, परिस्थिति का स्वीकार, अपने विचारों का स्वीकार, आने वाले व्यक्तियों का स्वीकार, ये स्वीकार जो है ये बड़ा आसान तरीका है यूनिवर्स की दोस्ती को और ज़्यादा गहरी करने का। क्योंकि हमारे दोस्त के साथ अगर दोस्ती करनी है तो उसके ढंग से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। और वही हम कर सकते हैं कब? जब हम अपने आप के साथ ये बातों को मान ले, ये बातों का स्वीकार करना जो है उसको मान ले, तो ज़िंदगी आसान भी होगी, मज़ेदार भी होगी। और आप देखोगे कि आप चाहोगे, वैसा तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी बातें होना शुरू हो गई होंगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी ना हो, ऐसे सुख आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त फक्त एक ही है, एक ही फक्त शर्त है, और वो शर्त है कि आपको स्वीकार करना है और स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। वही करेंगे, क्यों ना करें, जहाँ सही है वही हम वहाँ पे ही हमें रहना है। धन्यवाद।